वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू द प्लेटफॉर्म गाइज. आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में. मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ आपकी बहुत पॉपुलर डिमांड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो है टॉप टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं फॉर क्लियरिंग यूर एग्जामिनेशन. अगर आप यूजीसी नेट के लिए जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हो और कॉमर्स आपका पेपर टू है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करने होंगे अगर आप अपना एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं. आजकल हम देखते हैं जब टेंट को एनालाइज करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि रिसेंटली इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बने हैं तो शायद ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देने वाली हूं जो सिर्फ और सिर्फ 2023 या दिसंबर का जो पेपर था थोड़ा सा अलग पेपर हमें देखने को मिला. सिर्फ इस पे बेस्ड नहीं होगा, जो पैटर्न रहा है ओवर द इयर्स जो हमने बात की है अभी, जो मैंने मतलब हमने पूरी टीम ने डिसाइड किया कि हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिगर आउट करते हैं और वो कैसे हमने एनालाइज किए, वो हमने एनालाइज किए कि पास्ट जो 5 to 7 ईयर्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए उनके बेसिस पे मैं आपके लिए टॉपिक्स हैं जो लेके आई हूँ. क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं इस लास्ट टाइम पे कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो उसे सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं उनके लिए एक वीडियो. तो अब यहाँ पे हम कैसे चीजों को लेके चलेंगे तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी. बट उससे पहले आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है जान लेना वो है मेरे बारे में, क्योंकि जो आपको बता रहा है चीजें तो वो कितना एलिजिबल है वो भी जरूरी है जानना. तो मैंने हाल ही में अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है विजेआरएफ इन कॉमर्स और आपके लिए पेपर वन एंड पेपर टू की क्लासेस है जो लेके आती हूँ. चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीजें हैं बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड की जाती है एंड आपको सारी पीडीएफ जो है वो एप्लीकेशन पे मिल जाती है. और टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स स्पॉटलाइट, वहां पे सारी अपडेट्स मिल जाती है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही साथ आपको क्विजेस फ्री टेस्ट ये सारी चीजें मिलती हैं, क्लासेस मिलती हैं, तो एप्लीकेशन आपको जरूर से डाउनलोड कर लेनी है. एंड अगर आप बैचेस में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो बैचेस भी आपके लिए हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं और हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं. तो आपके लिए बैचेस हैं पेपर वन पेपर टू एंड पेपर वन प्लस पेपर टू के लिए 3 बैचेस हैं. जो भी आपको बैच लेना है आप ले सकते हो. कंप्लीट कॉमर्स मैं आपको पढ़ाती हूँ एंड कॉमर्स के साथ साथ ये सारे पेपर्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं. और आपको जो कंप्लीट कोर्स है 13,999 जिसका प्राइस है उसमें बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम कवर करते हैं सारी चीजें बेसिक से एडवांस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ. टेस्ट सीरीज है, हैंडबुक्स एंड लाइव सेशंस हैं. जो क्रैश कोर्स होगा रिवीजन कोर्स उसकी सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, तो आप लोग ले सकते हैं. अगर आप बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं, मैं बोलूंगी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप लोग 5 बजे जुड़ सकते हैं मेरे साथ. हम बात करेंगे टॉप टॉपिक्स किस में, कॉमर्स में, और किसके लिए हम बात करने वाले हैं जो 2024 में हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है उसके रिगार्डिंग. तो ये जो मैं टॉपिक्स लेके आई हूँ जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ लास्ट ईयर के बेसिस पे नहीं, हम यहाँ पे बात करेंगे मस्ट टू डू टॉपिक्स की जो बेस्ड होगा ट्रेंड एनालिसिस पे. और ये ट्रेंड एनालिसिस लास्ट 5 to 7 ईयर्स का ट्रेंड एनालिसिस है जो मैंने किया है और कोर कंसेप्ट्स की यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ. मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ ये चीज इस तरीके से पढ़ लो, भाई कोर कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, इनडेप्थ आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तो ही आपके लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे. अदरवाइज अगर ऊपर ऊपर से पढ़ोगे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है. इनडेप्थ आपको बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, वही चीज आपको हेल्प करने वाली है. तो अगर ये चीजों के लिए आप तैयार हैं तो हम भी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं. हम भी तैयार हैं आपको टॉपिक्स बताने के लिए. तो सबसे पहली यूनिट आती है यूनिट नंबर 1 इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरमेंट. इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो थ्योरीज होती है इंटरनेशनल ट्रेड की वो आपको पढ़नी है, ट्रेडिशनल मॉडर्न सारी थ्योरीज. साथ ही साथ किस तरीके से आप एंटर कर सकते हो इंटरनेशनल बिजनेस में ये आपको पढ़ना है. वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी सारी. बीओपी और एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अभी अप्रैल 2023 में लागू हुई है और उसके जो फीचर्स हैं वो सारे आपको समझने जरूरी हैं. और बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और हमारा जो ऑफिशियल रिजर्व होता है, एरर एंड ओमिशंस, क्या ट्रांजैक्शन होती है, कैसे होती है, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं. हर चीज आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी. सिर्फ मैंने टॉपिक का नाम बताया इसका मतलब ये नहीं कि इंट्रोडक्शन पढ़नी है, नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं, सारा टॉपिक आपको डिटेल में पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बनते हैं और यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा खासा टाइम है जो लगाना है. फिर इसके बाद आता है फेरा और फेमा वाला जो टॉपिक होता है हमारा, एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 जिसने फेरा को रिपील किया था, वो आपको पढ़ना है. सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड यस, इसके साथ एक और टॉपिक मेरे माइंड में आ चुका है, वो है कोपरा. तो ये जो एक्ट है ये भी आपको कवर करना है, कोपरा 2019.
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसने हमारा जो पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 उसको रिपील किया है। फिर इसके बाद यहाँ पे बात आती है FDI, FPI और FII की। FDI और FPI हम ये मोड्स टू एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस में भी पढ़ते हैं, उसमें हम इन्वेस्टमेंट मोड पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं इसको, बट इसको बिल्कुल इनडेप्थ आपको पढ़ना है कि क्यों FDI आती है, क्या कंडीशन होती है, वो चार कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। FDI और FPI में फर्क क्या है, एक बार FDI की तो क्या FPI बन सकती है वो, तो नहीं, ये चीज नहीं होती। एक बार FDI होगी तो वो हमेशा FDI रहेगी। किस तरीके के एसेट्स में आप निवेश करते हो, कहां कहां पे FDI अलाउड है, किस रूट से अलाउड है, कितने प्रतिशत तक अलाउड है, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। साथ ही साथ जो आपके पास FIIs हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जब हम बात करते हैं, वो भी आपको यहाँ पे कवर करने होते हैं। तो ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो FDI है इसकी थ्योरीज जो है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये थ्योरीज भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना। देन इसके बाद हमारे पास आती है यूनिट नंबर 2, और ये जो टॉपिक मैं बता रही हूँ बिल्कुल इनडेप्थ करने पड़ेंगे, ऊपर ऊपर से करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो सेकंड यूनिट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है हमारे पास। इसमें सबसे पहली चीज आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS, और साथ ही साथ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमारे पास होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, वो आपको पढ़ने हैं। गुडविल और गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो, गुडविल कैसे वैल्यू की जाती है, क्या 5 मेथड है, क्या फॉर्मूलाज रहते हैं, ठीक है, कौन सा मेथड सुपीरियर है, कैटेगरी वाइज, केसेस वाइज अलग अलग तरीके से अलग अलग हमारे पास होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। एंड गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट रेपिटेटिव टॉपिक है, ये आपको कवर करना है। देन इसके बाद आता है इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ शेयर, ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल आपको कवर कर लेना है। एंड साथ ही साथ लिक्विडेशन प्रोसेस आपसे बहुत बार पूछी जाती है, तो ये प्रोसेस आपके लिए जरूरी है कवर करना। फिर इसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, और जो हम बात करते हैं VVV, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो है वाउचिंग वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, रिसेंटली ही कवर करवाया है, इसको आप कवर कर सकते हैं। सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाने वाली हैं, देखो अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ऑडिटर में अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन और एलिजिबिलिटी की बात आती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से आपको देखने को मिल सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन भी इकट्ठे, ठीक है, और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन तो बनता ही है हर बार, तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है या इनमें से मैं कोई टॉपिक नहीं करना चाहता, तो मैं आपको एक चॉइस दे सकती हूँ, और वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक्स भी बोलते हैं, टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और ये उनमें से एक टेक्निक है, ये आपको कवर करना है। अगर इन टॉपिक्स में से आपको कोई टॉपिक नहीं अच्छा लग रहा या आप नहीं करना चाहते हो, तो ये टॉपिक जरूर फिर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं, बट ये मैं 7th नंबर पे रखूंगी, टॉप 6 टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। फिर इसके बाद आता है यूनिट नंबर 3, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारे पेपर में पूछा जाता है, तो इकोनॉमिक्स क्यों पूछी जाती है, बेसिक, साथ ही साथ ये डिमांड फंक्शन सारा पढ़ना है, जिसमें हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी आएगा, जिसमें क्यों डिमांड की जाती है, हम यूटिलिटी एनालिसिस भी पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। और इसी के तहत हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड साथ ही साथ प्राइस इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट किसके बराबर होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और इनकम इफेक्ट के बराबर होता है, ये भी आपको कवर करना है, ये रिलेशन। एंड 2 अप्रोचेज हैं, स्लट्स की और हिक्स की अप्रोच, वो आपको यहाँ पे कवर करनी है। तो डिमांड फंक्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोप करता है, एक्सेप्शन क्या होती है इसकी, वो हमने पढ़ना है, डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है, वो हमें पढ़ना है, टाइप्स ऑफ डिमांड आपसे पूछी जाती है, वो आपको कवर करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है चेंज और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, वो भी यहाँ पे पढ़ना है, डिमांड फंक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से फिर आपके 2 क्वेश्चन है जो बन जाते हैं इस डिमांड फंक्शन से। फिर इसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रिवेन्यू फंक्शन आपसे पूछा जाता है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनके जो कर्व्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं, कर्व्स क्या चीज सिंबलाइज करते हैं, वो सारी चीजें आपको कवर करनी है। और अभी रिसेंटली मैंने कवर करवाया था इकोनॉमिक्स, तो वहां पे हमने सारी चीजें कवर की हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से डिटेल में कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ आता है प्राइसिंग स्ट्रेटजी, थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट्स एंड बिजनेस फॉर्म्स, तो यहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रेटजी 21 या 23 तरीके की हम प्राइसिंग स्ट्रेटजी पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके की, ठीक है। थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट हम पढ़ते हैं कि जो थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट है, 6 थ्योरीज हैं वो हम पढ़ते हैं। बिजनेस फॉर्म्स की हमारे पास 6 से 7 थ्योरीज हैं, इनको हम कवर करते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, या कैसे हम मानेंगे कि एक बिजनेस ग्रो कर रहा है, उसके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं जो दी गई हैं। पेपर में यहां से
दो क्वेश्चन तो कम से कम आते ही हैं, कभी कभी तीन क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो लगातार यहां से क्वेश्चन है जो इंक्रीज होते जा रहे हैं। और यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, दो टॉपिक को इकट्ठे करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैच द कॉलम जैसे सवालों में, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कवर करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हम जब बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस फॉर्म ऑफ मार्केट में क्या चीजें होती हैं, क्या डिफरेंशिएटर्स हैं। जैसे कि हम जब बात करते हैं, हमारे पास आता है कि हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हो सकता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहाँ हो सकता है, तो वो सारी चीजें रहती हैं। एंड यहाँ पे प्रॉफिट डिटर्मिनेशन की बात आती है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर, तो प्रॉफिट को कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किस किस टाइप का प्रॉफिट होता है शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, किस टाइप का प्रॉफिट है, कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में होता है, वो आपको यहाँ पे कवर करना होता है। तो ये चीज है जो आपसे पूछी जाती है। एंड इसमें ही जो इलास्टिसिटी वाला कंसेप्ट है ना, वो सारी जगह आपसे पूछा जाता है, प्रोडक्ट्स में भी, मार्केट्स में भी, तो उस तरीके से आपको इलास्टिसिटी को रिलेट करना है सबके साथ। देन इसके बाद हमारे पास आती है यूनिट नंबर 4, जो बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस की। तो यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस है। सबसे पहली चीज, स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, क्या क्या स्कोप है फाइनेंस का और कहां कहां से पैसा ले सकते हो। सोर्सेज में आपको इंटरनेशनल और नेशनल दोनों सोर्सेज की बात यहां पे करनी है। फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कौन सा फंड हम रेस करें, सोर्सेज तो आपने देख लिए कि कैसे रेस करें, वो आप देखोगे यहाँ पे वैक होता है, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हम कंबाइंड कॉस्ट बात करते हैं जिसको हर्डल रेट बोला जाता है, वो आपको देखना है। एंड डिविडेंड थ्योरीज, यहाँ पे मैंने एंड करके क्यों लिख दिया है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमारे पास 5 डिफरेंट मेथड्स होते हैं जब हम इक्विटी की कॉस्टिंग की बात करते हैं, तो वहीं से ही डिविडेंड थ्योरीज का भी फॉर्मूला है जो निकल के आता है। एंड कैपिटल स्ट्रक्चर की हमारे पास थ्योरीज है, 4 थ्योरीज तो हम इनडेप्थ पढ़ते हैं, 1-2 थ्योरीज और हैं एडिशनल थ्योरीज, ठीक है, वो भी आपसे पूछी जाती है दोनों, ट्रेडिंग जो ट्रेड ऑफ थ्योरी होती है वो, एंड पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे कवर करनी है। फिर कैपिटल बजटिंग के जो डिफरेंशिएटर्स है, हमारे पास टेक्निक्स हैं जब हम इन्वेस्टिंग डिसीजन लेते हैं तो कैपिटल बजटिंग का ही वहां पे रोल आता है, तो हमारे पास अलग अलग ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्निक्स हैं, तो वो जो सारी टेक्निक्स हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। देन इसके बाद हमारे पास है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, कि इंटरनेशनल लेवल से हम इंटरनेशनल मार्केट से कैसे फाइनेंसिंग कर सकते हैं, तो वो सारे सोर्सेज में भी हम कवर करते हैं, बट उसका जो बेसिक है, कैसे कैसे ग्रो हुआ, कैसे कैसे इंटरनेशनल लेवल पे हम ट्रेड करना स्टार्ट किए, वो सारी चीजें और उससे एसोसिएटेड जो हमारे रिस्क है वो सारी चीजें भी हमको देखनी है। एंड साथ ही साथ जो शेयर्स और डेरिवेटिव्स हैं इनकी भी अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है, क्योंकि डेरिवेटिव्स में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड्स हैं, ठीक है, साथ ही साथ फिर फ्यूचर्स हैं, फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑप्शंस, एंड फिर हमारे पास आते हैं स्वैप्स। तो ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनसे एसोसिएटेड जो लोग हैं, इंटरमीडियरीज हैं, हेजर्स हैं, आर्बिट्रेजर्स हैं, स्पेक्यूलेटर्स हैं, वो सारे हमें कवर यहाँ पे करने होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो निकल के आता है। तो मैंने यहाँ पे आपको 4 यूनिट में लगभग 20-22 टॉपिक है जो दे दिए हैं, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से जो हमारा आरसी वाला क्वेश्चन है वो भी पूछा जाने लगा है। फिर इसके बाद आता है यूनिट नंबर 5, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो यहाँ पे क्या चीज रहती है, यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपसे पूछा जाता है, एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट टॉपिक है जो आपको कवर करना है स्टैट्स में। तो यहाँ पे मीन, मोड, मीडियन, ठीक है, फिर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इनके फॉर्मूलाज, इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, और साथ ही साथ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। यहाँ पे हम बात करते हैं कि वैल्यू सेंट्रल लेवल से कितनी दूर है, और यहाँ पे हम बात करते हैं स्प्रेड कितना है, ठीक है। तो ये टेंड्स टू सेंटर हमारी बात होती है सेंट्रल टेंडेंसी में, और डिस्पर्जन में हम स्प्रेड को मेजर करते हैं, यहाँ पे हम वेरिएंस को देखते हैं, हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें रहती हैं। फिर इसके बाद जो मैंने थर्ड लिखा है, ये मैंने लिखा है कि प्रॉपर्टीज, फंक्शंस और फॉर्मूला बेस्ड जो है ना, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन, जो कि बिल्कुल सही बात है। एंड अगर मैं बात करूं स्टैट्स इन टोटल, तो ये बेस्ड रहेगी फॉर्मूलाज पे, प्रॉपर्टीज पे, अजम्पशंस पे, फंक्शंस पे, तो यही चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी में थ्योरम्स आती है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम बात करते हैं कि हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। एंड कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड उसके साथ साथ हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन है जो पूछे जाने लगे हैं बहुत ज्यादा, इनकी प्रॉपर्टी,
ठीक है, साथ ही साथ फॉर्मूलाज एंड साथ ही साथ अजम्पशंस पे बात की जाती है। देन इसके बाद रिसर्च में जब हम बात करते हैं तो रिसर्च के टाइप्स तो इंपॉर्टेंट है, वो आप पेपर वन में भी करते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सैम्पलिंग और टेस्टिंग। हमारी सैम्पलिंग कैसे होती है, रैंडम, नॉन रैंडम, प्रोबेबिलिस्टिक, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक के नाम से भी जिसको जानते हैं। फिर उसके बाद टेस्टिंग, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, और पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से, उनके फीचर्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, वो सारी चीजें कब कौन सा यूज होगा वो हम पढ़ते हैं। फिर हम एरर्स की बात करते हैं, टाइप वन एरर, टाइप टू एरर, तो वो सारी चीजें भी हम कवर करते हैं। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, सिग्निफिकेंस लेवल, ये सारी चीजें जो है इन टोटैलिटी पढ़ी जाती है इसमें, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। इन बिटवीन आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी देखने को मिलते हैं जो बहुत अलग हैं, पर मैं उनको नहीं बोलूंगी कि वो आते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक बार पूछा गया है या सिर्फ दो बार पूछा गया है, बट ये टॉपिक्स हैं जो 7 से 8 बार पूछे गए हैं। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके इससे फर्दर कॉन्सेप्ट्स को क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। तो कोर कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे क्लियर करने हैं। फिर इसके बाद आता है यूनिट 6 जो है बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम। तो यहाँ पे मोटिवेशन और लीडरशिप की थ्योरीज आएंगी, यहाँ पे सारी थ्योरीज कवर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी थ्योरी आपसे पूछी जा सकती है। तो थ्योरीज अगर आपसे पूछी जा सकती है तो कितनी थ्योरीज कवर करें, तो सारी थ्योरीज कवर करें ये तो पॉसिबल नहीं है, अब लास्ट के 75 डेज है, तो मैं आपको बता रही हूँ कौन सी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। तो मोटिवेशन और लीडरशिप की, एथिक्स और सीएसआर की थ्योरीज, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल और ट्रेनिंग जो है, इनके मेथड्स, इनकी प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ये आपको कवर करनी है। एंड इसके साथ साथ बात आती है कंपनसेशन मैनेजमेंट की, वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिफरेंट वेज है, जो अलग अलग मेथड्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आता है वर्कर पार्टिसिपेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत इमर्जिंग टॉपिक है। फिर इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। फिर हम बात करें तो मॉडर्न टेक्निक्स भी कुछ पूछी जाती है बिजनेस मैनेजमेंट में, जैसे कि MBO है, ठीक है, टीम मैनेजमेंट हो जाता है, वो सारी चीजें भी आती हैं। तो सारी थ्योरीज हैं जो मोस्टली पूछी जाती हैं या प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको होगी टॉपिक की तो आप प्रोसेस वाले क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो, बट अगर आप बिल्कुल कोर से उस कंसेप्ट को कवर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आप अप्रोच कर पाएंगे पेपर में। तो मैं आपको यहाँ पे बोलूंगी कि हमारे पास जो BM HRM है इसके जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा सकते हो वो लगाओ, वो आपको यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। फिर इसके बाद आता है यूनिट नंबर 7 का, यहाँ पे रोल जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे RBI और जो सारे बैंक्स हैं उनकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, कब बने थे, किसके साथ मर्ज हो गए हैं, एट प्रेजेंट कितने हमारे पास बैंक्स हैं, वो सारे। फिर आता है NPAs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी क्लासिफिकेशन, कब कितने टाइम पीरियड तक किस कैटेगरी का नाम दिया जाता है, लोस एसेट कब बनते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट कब बनते हैं, ठीक है, वो सारी चीज, डाउटफुल एसेट्स कब बनते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। फिर इनके लिए जो स्टैंडर्ड एसेट्स हैं उनमें 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन की बाइफर्केशन है, SMA 0, 1, 2 हम बनाते हैं, वो आपको देखना है। बेसल नॉर्म्स 1, 2, 3 सारे आपको पढ़ने हैं, इसके पिलर्स आपको पढ़ने हैं। देन इसके बाद आता है रिस्क वेटेड एसेट्स, तो हम रिस्क वेटेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो 6 तरीके के रिस्क हैं वो आपको कवर करने हैं, एंड रिस्क वेटेड एसेट्स क्या है वो आपको देखने हैं। यहाँ पे ही इंपॉर्टेंट आता है Tier 1 एंड Tier 2 कैपिटल, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको समझना है ये कैपिटल कैसे और किस बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है, बायफर्केट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आता है इंश्योरेंस में टाइप सारे, फिर प्रिंसिपल्स भी, प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, टाइप्स पे क्वेश्चन आते हैं, और टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल को मैच करके या मिला के मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैच द कॉलम या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है। और यहाँ पे अभी आपके पास नई नई टर्म्स भी हैं जो आने लगी हैं, बट वो टर्म्स करने का तभी फायदा है जब आप टाइप्स को समझ जाओगे, प्रिंसिपल्स को समझ जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आप उन टर्म्स से फैमिलियर हो जाओगे। देन इसके बाद आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, पेमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक, ये सारी चीजें आती हैं, क्या काम होते हैं, क्या लिमिट होती है, ये सारी चीजें जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपसे पूछा जाता है। एंड जहां पे मैंने बात की कि सारे बैंक्स की हिस्ट्री वगैरह आपको पढ़नी है, तो कितना नंबर है, एट प्रेजेंट क्यों बनाया गया था, कब बनाया गया था, वो चीज इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे और चीजें भी आपसे पूछी जाती हैं कि सीक्वेंस में अरेंज करो कि कब कौन सा बैंक है जो बना। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे RRBs है, ये हमारे पास रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कब कौन सा बैंक बना था, तो उसको अपने सीक्वेंस में लगाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करंट से भी रिलेट करके आपको पूछा जाता है, क्योंकि अगर आपके पास करंट नॉलेज होगी तो आपके लिए चीजें ज्यादा आसान है जो हो जाएंगी, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या चीज आती है, आती है यूनिट नंबर 8। अब जैसे यूनिट नंबर 6 बहुत बड़ी यूनिट थी, मैंने बोला था प्रीवियस ईयर आपको हेल्प करेंगे, सेम गोज विद मार्केटिंग मैनेजमेंट, यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे, बट कुछ टॉपिक्स हैं जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, और ये बेस है, ये जान है इस यूनिट की। सबसे पहली चीज, मैं कोई टॉपिक नहीं बताऊंगी, मैं बात करूंगी 4 P's की, यानी कि मार्केटिंग मिक्स जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
और उनमें प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन ये सारे आपको कवर करने पड़ेंगे, सारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, सारे के सारे प्रोडक्ट के जो स्टेप्स होते हैं, प्रोडक्ट विड्थ, लेंथ, ठीक है, कंसिस्टेंसी, प्रोडक्ट लाइन, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। बेसिक्स में हम जब पढ़ते हैं तो लेवल ऑफ प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं, वो 5 लेवल्स आपको कवर करने हैं। ऐसी प्लेस में हम बात करते हैं, इंटीग्रेटेड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, वो सारे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करते हैं कि कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर होती है। तो 4 P's आएंगे। देन इसके बाद आएगा कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर आपको अच्छे से कवर करना है, इसकी सारी थ्योरीज और इसका बेसिक कोवर्ट ओवर्ट सारी चीजें, और आपको ये देखना है कि क्यों एक कंज्यूमर परचेज करता है, तो वो सारे पैटर्न भी आपको कवर करने हैं। फिर आता है एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, मैंने इसको अलग से क्यों लिखा, ये 4 P's में भी आता प्रोडक्ट में, बट यहां से क्वेश्चन आता है सीक्वेंस वाला। इसकी जो स्टेजेस हैं वो आपसे पूछी जाती हैं, तो 9 से 10 स्टेजेस हैं, वो आपको पूरी की पूरी एक सीक्वेंस में अरेंज करनी होती है और वो लर्न करनी है। फिर आता है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट या मार्केटिंग मॉडल्स होते हैं हमारे पास, तो BCG मैट्रिक्स है, एनसोफ मैट्रिक्स है, ठीक है, हमारे पास G9 मैट्रिक्स है, ठीक है, ये सारे के सारे जो डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स हैं वो हमें यहाँ पे कवर करने होते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, ये सारी चीजें जो हमारे पास कंपेटिटिव एडवांटेज के मॉडल हैं, वो सारे आपको यहाँ पे कवर करने हैं। जैसे कि व्रियो हम पढ़ते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए इसका क्या मतलब है, क्या इसकी फुल फॉर्म है, ये सारी चीजें। फिर इसके बाद यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मॉडल में ही बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कवर हो जाते हैं, 5 से 6 मॉडल्स आपको कवर करने हैं, एंड यहां से आपका क्वेश्चन कंपल्सरी है जो बनता है, ये आपको पूरा अच्छे से कवर कर लेना है। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे न्यू ट्रेंड्स जो आते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गोरिल्ला मार्केटिंग, तो यहाँ पे हमारे पास मार्केट लीडर, मार्केट चैलेंजर, मार्केट फॉलोअर और मार्केट निशर्स, ये 4 कैटेगरीज होती हैं। उसमें हम देखते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज हेल्प करेगी, क्या आप करोगे, एक्ट करोगे कि आपको वहां पे बेनिफिट हो। तो गोरिल्ला मार्केटिंग नीश मार्केटिंग में आता है और ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है जो आपको कवर करना है। इसमें बहुत सारे बाइफर्केशंस हैं, वो आपको सारे कवर करने हैं, यहां से क्वेश्चन है जो बनता है। तो गोरिल्ला मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि कैसे अनयूजुअल वे में आपको हर चीज प्रेजेंट की जाती है सो दैट आप अट्रैक्ट हो जाए। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, रूरल मार्केटिंग, ठीक है, एंड इसके साथ साथ हमारे पास आता है सर्विस मार्केटिंग, ये आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो रूरल मार्केटिंग और सर्विस मार्केटिंग ये अमर्जिंग टॉपिक्स हैं, यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है जो टॉपिक है, वो टॉपिक हमारे पास आता है Unit 9 से लीगल एस्पेक्ट्स। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि आपको 10 एक्ट दिए गए हैं, वो आपको कवर करने हैं, बट ये सारे के सारे एक्ट बहुत ज्यादा डीप हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कोई भी 5 एक्ट कवर कर लो अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है। उनमें से LLP बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2008, RTI 2005 में आया था, ये इंपॉर्टेंट है, SOGA इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंपॉर्टेंट है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, ये भी आपको कवर कर लेने हैं, और इन ये सारे आप कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बोलूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान में रखना, 2018 में ये यूनिट ऐड हुई थी, 2018 से लेके 2023 तक के सारे क्वेश्चन आपको कवर करने हैं अगर आप 2024 में पेपर देने वाले हो। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, कंपनीज एक्ट 2013 इसको जरूर कवर करना है। एंड यहाँ पे मेजर इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रमोटर्स वाला टॉपिक, और साथ ही साथ प्रोस्पेक्टस वाला टॉपिक जो है, ठीक है, प्रमोटर्स के क्या रोल है, वो सारी चीजें। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, डायरेक्टर वाला टॉपिक आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको जो टर्म्स हैं जैसे कि क्वरम्स हैं, ठीक है, और जो मीटिंग्स हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है, अलग अलग मीटिंग्स होती हैं शेयर होल्डर्स की, क्रेडिटर्स की, ठीक है, डिबेंचर होल्डर, वो सारी चीजें, डायरेक्टर्स की मीटिंग, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी ही पड़ेंगी। एंड जब हम बात करते हैं यहाँ पे MOA AOA प्रोस्पेक्टस की, तो इसके साथ साथ हमारे पास जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ डॉक्ट्रीन्स आते हैं, वो अभी आपको यहाँ पे कवर करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आती है हमारी लास्ट यूनिट, दैट इज टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो यहाँ पे बेसिक्स में आपको क्या करना है, जो टर्म्स हैं, प्रोविजंस हैं, वो सारी चीजें, इनकम का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर क्या होते हैं, वो सारी चीजें, एग्रीकल्चर इनकम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करनी है कवर, ठीक है, वो बेसिक्स में आती है। और उनके प्रोविजंस क्या है और उनके एक्सेप्शंस क्या है, वो आपको कवर करने हैं। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस, अब अगर मैं बोलूं कि लास्ट 1-2 साल में तो रेजिडेंशियल स्टेटस से कुछ खास क्वेश्चन आया नहीं, बट फिर भी क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पता होगा तो आपको ये ITR वाला जो टॉपिक है ना वो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो ये फॉर्म फिल अप करते हो जब
जब रिटर्न फाइल करते हो तो आईटीआर वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कहां पे क्या चीज अप्लाई होगी वो आपको पता लगेगा, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे स्कोप ऑफ इनकम वाला टॉपिक क्लियर होगा, एंड फाइव हेड्स में जो हेड्स हैं उनके सेक्शन आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, और सेक्शन में ही जो एग्जम्पशंस होती है वो आपको कवर करनी है। फिर इसके बाद आती है डिडक्शंस और एग्जम्पशंस, तो चैप्टर 6 ए में जो डिडक्शंस हैं वो आपको करनी है, एंड साथ ही साथ जो सेक्शन 10 में हमारे पास एक्सेप्शंस हैं, एग्जम्पशंस हैं बेसिकली, वो हमें यहाँ पे करनी है। यहाँ से इंपॉर्टेंट होती है 80C से 80U की सारी की सारी डिडक्शंस। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक मैं बोलूंगी, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेजन एंड टैक्स मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कंफर्म आपका बनने वाला है। बहुत सारे टॉपिक आपको देखेंगे, मैम ट्रांसफर प्राइसिंग तो आपने बताया नहीं, तो वो भी पूछा जाता है, ठीक है, आपने यहाँ पे हमारे पास जो आर्म लेंथ प्राइस होता है ALP ये नहीं बताया, ठीक है, हमारे पास DT AA आता है वो नहीं आपने बताया। देखो टॉपिक्स करने के लिए तो बहुत सारे हैं, बट मैंने आपको बोला ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने पड़ेंगे, इनको तो आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये कोर है, तो कोर अच्छे से समझ जाओगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये नहीं कर सकते कि हम क्या करें कि हम सारा का सारा, हम ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा रिवीजन हमारा हो जाए और पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए, पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ये टॉपिक कर लिए हैं तो जाओ आगे किसके लिए, थोड़े एडवांस टॉपिक्स के लिए, बट ये टॉपिक्स अगर अच्छे से नहीं किए हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी इन टॉपिक्स को इनडेप्थ पढ़ो, क्योंकि आपका पेपर 10-15% बिल्कुल अनयूजुअल आने वाला है। तो अनयूजुअल अगर आपका पेपर आने वाला है तो उसके लिए तो हमें रेडी होना है, और 10-15% टॉपिक आपको हमेशा नए मिलते हैं, तो आपको क्या करना है इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ही कवर करना है, बट जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वो टॉपिक बिल्कुल इनडेप्थ कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कोर है, कोर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके ऊपर आपकी इमारत बहुत अच्छे से बन जाएगी, एडवांस आप अच्छे से समझ जाओगे और विद द हेल्प ऑफ PYQs ही आप समझ जाओगे, और मैं इस चीज का बिल्कुल प्रयास कर रही हूं, आपके लिए प्रयास बैच मैंने स्टार्ट किया है, उसमें हम यही चीजें कर रहे हैं, बेसिक्स और जो कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं वो भी आपको साथ साथ करवा रही हूँ। तो आपके लिए डबल मेहनत करती हूँ इस चैनल पे भी, लास्ट एक साल से पूरे दिल से पूरी लगन के साथ बहुत अच्छे से मेहनत करते हुए चल रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट आपके लिए है यहाँ पे, जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं 99% टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो आपको कर लेने हैं, एंड आपके लिए